हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी मीशो की तरफ से। मीशो इस वक्त हायरिंग कर रहा है बैंगलोर कर्नाटका के लिए एज रिमोट जॉब HR इंटर्न की, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन COE ये आपकी पोस्ट का नाम रहेगा और 6 मंथ का ये आपका टाइम लिमिट रहेगी, बिकॉज जो इंटर्नशिप होती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका MBA वगैरह नहीं भी है वो HR का, ठीक है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 6 मंथ का वो काम कर लेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर इंटर्नशिप का, तो HR की पोस्ट पर इन फ्यूचर बड़ी पोस्ट के लिए भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेशर्स के लिए खास तौर से अच्छी जॉब है जो HR की फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये रिमोट जॉब है तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि घर बैठे आप 6 मंथ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं HR का और फिर HR की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग MBA नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो अबाउट द रोल व्हाट यू विल डू, तो देखिए इसमें क्या क्या करना होगा आपको। यहाँ पे जनरली आपको जो आपकी टीम होगी उनके साथ मिल करके आपका वर्क करना होगा। मैं बता देती हूँ। रेगुलरली क्लीन अप द रिक्रूटमेंट डेटा इन द ATS टूल बाई कोऑर्डिनेटिंग विथ TA टीम। पब्लिश डिपार्टमेंट एंड मेट्रिक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स डैशबोर्ड टू द स्टेक होल्डर्स। इंश्योरिंग दैट द रिक्विजिशन जॉब पोस्टिंग एंड ऑफर फ्रॉम डिटेल्स आर अपडेटेड appropriately and are in adherence to the internal guidelines, ठीक है। prepare ad hoc data reports as and when needed। तो इसमें ख़ास तौर से आपको डेटा कलेक्ट करना हो, डेटा को अच्छे से उसको फीड करना है, ठीक है, आप के जो भी टीम लीडर्स होंगे, आपकी जो टीम होगी उसके साथ मिल करके उनके सजेशन से आपको वर्क करना है। बिकॉज आप फ्रेशर रहोगे और ये आपकी इंटर्नशिप रहेगी तो उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। वो जैसा आपसे कहेंगे वैसा आप करते जाना, ठीक है। व्हाट यू विल नीड, 0 to 1 year ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस आर प्रेफर्ड, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। तो मतलब 0 to 1 year का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी और फ्रेशर अप्लाई का है, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर दो, अगर 2-4 महीने का एक्सपीरियंस है तो शायद आपको प्रेफरेंस मिल जाए। जनरली आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर दो, बिकॉज ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। हाँ, अगर होगा तो शायद आप प्रेफरेंस दे दें। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, तो मतलब मिनिमम आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। प्रेफर्ड एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट इन अ फास्ट मूविंग हाई ग्रोथ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रेफरेंस मिल जाएगी जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अच्छे ग्रोथ वाली कंपनी वगैरह का अगर आपको है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने 0 to 1 year एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और इंटर्न कहा है, तो इंटर्न का मतलब होता है कि ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये खुद सिखाएंगे, ठीक है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये आपका HR का पोस्ट रहेगा, तो जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे जो अप्लाई करेंगे और भी पोजीशंस वगैरह के लिए, उनसे आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, और जो आपके टीम लीडर्स होंगे, जो टीम मेंबर्स होंगे जो आपके, उनके साथ आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। अबाउट द मीशो, तो मीशो के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर ये वैकेंसी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।